रविवार को नीमच सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमली चक में एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्वयं के खेत पर ही कार्य करते वक्त एक महिला अचानक ट्रैक्टर के कंप्रेशर के बेल्ट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में परिजन घायल महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान कृष्णाबाई पति कमलेश पाटीदार, उम्र 28 वर्ष, निवासी सेमली चक के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महिला नवविवाहिता है। जैसे ही इसकी सूचना मृतिका के मायका पक्ष के लोगों को लगी तो वह भी जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां मायका व ससुराल पक्ष के बीच मामूली विवाद भी हुआ, जिस पर सिटी पुलिस ने दोनों पक्षों को मौके पर पहुंचकर समझाइश दी। सिटी पुलिस के सब इंस्पेक्टर आई के तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि गांव सेमली चक में खेत पर काम करते वक्त युवती की मौत हुई है। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि मृतिका के शव का परीक्षण करवाया जा रहा है। मायका पक्ष के परिजनों का आरोप है कि युवती परेशान थी। इन बिंदुओं पर भी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है और जांच की जा रही है। एक महिला है, कृष्णा पिता कमलेश पाटीदार, निवासी नहीं अपने सेमली चक की है, जिसके अपने सीएच निवास से तहरीर प्राप्त हुई थी। मर क्रमांक 31 धारा 174 कायम कर लिया गया है। इनने कंप्रेसर के उसमें आने से, ट्रैक्टर के कंप्रेसर में आने से मृत्यु होना बता रहे हैं। प्रकरण जांच में लिया गया, बाद जांच जैसे जरूरत हुई कार्रवाई की है। आरोप लगा रहे हैं वो तो पहले से पुरानी बात को लेकर कह रहे हैं, जांच करेंगे जैसे होगा, बयान लेंगे जो होगा कार्रवाई। नहीं, ससुराल के सभी लोग हैं, मात्र उसका पति नहीं है। तो पति को बता रहे हैं वो कि उसको चक्कर आ गए इसलिए नहीं आया, हो तो बुलवाए हैं उसको।